पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अपनी ही पत्नी से मिलने पहुंचे पति को गांव वालों ने धर के कूट दिया। नमस्कार, न्यूज कनेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। अक्सर पति अपनी पत्नियों से मिलने जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जब पति अपनी पत्नी से मिलने गया हो तो गांव वालों ने उसे पीट दिया हो? जी हाँ, ऐसा ही कुछ सामने आया है बिहार के बांका जिले से, जहां पर अपनी ही पत्नी से मिलने पहुंचा पति को गांव वालों ने उसी की पत्नी के साथ मिलकर कूट दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, अपनी ही पत्नी को अपने पति को क्यों पीटना पड़ गया, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव से शनिवार यानी कि 24 अगस्त को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अपनी पत्नी से मिलने आए पति को ग्रामीणों ने मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं शंभुगंज थाने की पुलिस ने ग्रामीणों की पिटाई से जख्मी हुए महिला के पहले पति सूरज को पुलिस अभिरक्षा में शंभुगंज सीएचसी में इलाज कराया और मामले की जांच में जुटी है। दरअसल मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंशीपुर ग्राम निवासी रामविलास सिंह के पुत्र सूरज कुमार की शादी मई 2019 में मुंगेर जिले के नोवागढ़ी के रविंद्र महतो की पुत्री कोमल कुमारी के साथ हुई थी। वहीं शादी के बाद सूरज अपनी पत्नी को लेकर ओडिशा चला गया, जहां उसे एक बेटी भी हुई। इसी बीच महिला को शंभुगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी धनंजय सिंह से फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए घर से भागकर 13 दिसंबर 2023 को मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद महिला अपने 4 साल की बेटी के साथ दूसरे पति के साथ धर्मपुर गांव में ही जीवन यापन करने लगी। वहीं जब महिला के पहले पति सूरज को इस बात की जानकारी हुई तो वो अपने 2 दोस्तों के साथ 8 महीने के बाद देसी कट्टा लेकर अपनी पत्नी से मिलने धर्मपुर गाँव पहुंचा, जहां महिला के दूसरे पति के इशारों पर ग्रामीणों ने महिला के पहले पति को बंधक बना लिया, जबकि सूरज के साथ आए उसके दोनों दोस्त मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने सूरज की जमकर पिटाई करने के बाद देसी कट्टे के साथ सूरज को पुलिस के हवाले कर दिया। इधर महिला के पहले पति सूरज का कहना है कि वो अपनी पत्नी से मिलने नहीं बल्कि शादी में उनके जरिए दिए गए सोने चांदी के आभूषण वापस लौटाने की मांग को लेकर गया, जहां उसके प्रेमी ने ग्रामीणों की मदद से बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करते हुए जख्मी कर दिया और फिर देसी कट्टा देकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं महिला कोमल कुमारी ने बताया कि उसका पहला पति नशेड़ी है, वो हमेशा नशे में धुत होकर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वो तंग आ गई थी। वहीं महिला का कहना है कि शादी में उसके पहले पति के दिए गए सभी जेवर वो ससुराल में ही छोड़कर आई है। इस मामले को लेकर शंभुगंज अपर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि महिला के आवेदन के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी हथियार लेकर धर्मपुर गांव आया था या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। दोषी होने पर युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो देखिए, मामला बांका जिले से सामने आया है, जहां पर एक पति का ये कहना है कि वो अपनी पत्नी को दिए गए जो जेवरात है उसे वापस लेने के लिए अपनी पत्नी से मिलने आया, और उसकी पत्नी है जो अपने पति पर यानी कि पहले पति पर आरोप लगाती है कि उसका पति पहले नशा करता था और नशा करके उसके साथ मारपीट करता था, और इसी वजह से उसे फेसबुक पर किसी और से प्यार हुआ और उसने फिर दूसरी शादी कर ली। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर ईश। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।